नाश्ता करने लगे, मैं तैयार हुई हूँ, मैंने अभी बाल बनाने और कीजिया को भी मैंने सुबह सुबह ने लगा के तैयार कर दिया। उसने मामा के पास रहेगी, मामा के पास सारा दिन, और मैं और शहजाद जाएंगे, मैं स्कूल जाऊंगी, शहजाद 9 बजे ऑफिस जाएंगे। अभी मुझे बस वो छोड़ने जा रहे हैं, शहजाद बैठे वहीं है, बैठे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अभी शहजाद मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं और उससे पहले हम अभी नाश्ता करने लगे, और आज नाश्ता जो है वो मेरी मामा ने बनाया है, कीमा आलू मटर पड़ा था तो उसके पराठे हैं, बहुत मज़े के हैं, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। मामा ने इसलिए बनाया क्योंकि मामा का नाश्ता और खाना इतना ज़्यादा मज़े का होता है, बहुत ज़्यादा मज़े का, तो दिखाती हूँ आपको वो मेरी मामा के बने हुए पराठे। आजो 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 खाना खा लो। तो ये हैं पराठे और मटर भी है इसके अंदर, मटर है, कीमा है, आलू, ये देखें सही वाली फिलिंग की हुई है और इतना मज़े का है। ये वाला क्रिस्पी वाला पराठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मामा, मैं सोच रही हूँ कि मामा का ना मैं मेकअप करूँ, तो अगर आप लोग कहोगे तो फिर मैं करूँगी। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके मैंने देखे, उन्होंने अपनी मदर्स को और मदर इन लॉ को जो है वो मेकअप लुक दी है, और अगर आप बोलोगे तो फिर मैं करूँगी अपनी मामा को तैयार, और आपने कमेंट्स में बताना है मुझे, तो फिर मामा ने ना 2 दिन बाद चले जाना, अगर आप बोलोगे तो मैं वो वाला व्लॉग बना दूँगी, नहीं तो फिर नहीं। मामा आ जाओ नाश्ता कर लो। अच्छा, मामा ने ना वो खुश्क रोटी खानी होती है ना, तो हम भी वैसे वो सुबह ब्रेड खा के जाते हैं, लेकिन आजकल मामा आई हुई हैं तो वो फिर सुबह सुबह स्पेशली उठ के तो पराठा बना देती हैं, क्योंकि मैं लेट हो रही होती हूँ, तो वो अभी खाएंगी खुश्क वाली रोटी। अभी हम स्कूल जा रहे हैं, नाश्ता करके अभी बाहर आए हैं, और अभी टाइम हुआ है 7:45 का, और कीजिया को भी हम साथ ले आए हैं, 8:15 हुए हैं, क्योंकि अब स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है, अब 8:30 स्कूल लगता है और टीचर्स ने 8:15 तक स्कूल में पहुंचना होता है, और इसलिए फिर मैं 7:45 निकल जाती हूँ, क्योंकि मुझे आधा घंटा तो लग ही जाता है, और शहजाद मुझे ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं, और इनके ऑफिस की टाइमिंग जो है वो 9 बजे की है, और बाकी आके अब मिलूँगी आप लोगों से मैं। और एक जो मेरी सब्सक्राइबर्स है ना, उन्होंने कीजिया का नाम उन्हें बहुत पसंद आया था, और वो मुझसे कीजिया के नाम का मतलब पूछ रही थी, तो वो मैं आके आपको बताऊंगी, बहुत प्यारा नाम का मतलब है। कीजिया के आंखों में धूप पड़ रही है सामने से आके। क्या है छोटा सा गुड्डा है मामा का, छोटी सी गुड़िया मामा की। तो मुझे छुट्टी हो गई थी, छुट्टी के बाद अभी हम जो है वो जा रहे हैं गुलबर्ग TCS के मेन दफ्तर में, क्योंकि वहाँ पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन की और मास्टर्स की जो है वो ओरिजिनल जो है वो डॉक्यूमेंट्स वो दिए हुए थे इक्विवेलेंस बनवाने के लिए, तो अभी हम वो लेने के लिए जा रहे हैं, और 4:15 होने वाले हैं, और 4:30 वो बंद हो जाना है, हमें अभी टाइम मिला था, इसलिए शहजाद दफ्तर से छुट्टी लेके आए हैं लेने के लिए, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं और फिर डिग्रियाँ रिसीव करके फिर हम घर जाएंगे वापस। ये हफीज सेंटर है जो जहाँ पे थोड़ी दिन पहले जो है वो आग लगी हुई थी, और ये सारा जल चुका है, ये देखें क्या हाल हो गया, और ये कोई इतना ज़्यादा खूबसूरत था पूरा प्लाज़ा। और अभी भी यहाँ से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है जलने की, हाँ वो सारी कंप्यूटर की चीज़ें और इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, लैपटॉप्स और मोबाइल्स और इससे रिलेटेड चीज़ें। हम अभी अभी पहुँचे हैं TCS के दफ्तर में, और शहजाद डिग्रीज जो हैं वो रिसीव करने गए हैं, और ये कीजिए मम्मा के पास बैठी हुई है और इतना तंग कर रही है ना, वो देखो
वो देखो वो देखो, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय मामू को पारी करो, मामू को सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आई हूँ और मैं साथ में लेके आई हूँ पटूरे, दिखाती हूँ आपको ये तो ये पटूरे लेके आए हैं, दोपहर को हमने दाल चावल बनाए थे और अभी पटूरे लेके आए, इनके साथ चने और ये रायता होता है, इसके अलावा ये सैलेड जो होता है हमने साथ में ही ऐड कर लिया, उसके चनों के अंदर ही ऐड कर लिया। आज हमारी बिल्कुल रेस्ट हो ही नहीं सकी है और जब से मैं स्कूल से आई हूँ ना, एक बजे दो बजे आई थी मैं घर वापस स्कूल से, और उसके बाद आने के बाद ना घर की सफाई वगैरह मैंने की, और उसके बाद फिर शैतान छुट्टी लेके आ गए जल्दी आज, क्योंकि मेरे वो डॉक्यूमेंट्स आपको पता है कि वो हम लेने गए थे वो हमने रिसीव कर लिए थे, तो अभी घर हम 7:15 बजे घर वापस आए हैं वहाँ से होके। तो शहजाद की कुछ शॉपिंग भी हमने की है, मैं आपको पहले शॉपिंग दिखाती हूँ, बाकी बातें बाद में करती हूँ। ये थोड़ी सी शहजाद की शॉपिंग की है, ज़्यादा नहीं है, ये ट्राउज़र हैं तो ट्राउज़र दिखा देती हूँ, एक ये नेवी ब्लू कलर में है, जो लड़के देखेंगे ना उनको आइडिया हो जाएगा इसको, ये है ट्राउज़र और ज़्यादा खुले नहीं है इसके पांचे, और नैरो जो है वो तंग पांचों वाला भी नहीं है ये ज़्यादा, तो एक ये हमें पसंद आया था, इसके अलावा एक ये ग्रे कलर में है, ठहरे ऐसे ही करके दिखाती हूँ आपको, एक ये है, शहजाद पहनेंगे ना फिर आपको इसका सही अंदाज़ा हो जाएगा इस ट्राउज़र का, तो दोनों कलर्स अच्छे हैं ट्राउज़र के, और दो ट्राउज़र्स के साथ ये एक शर्ट, तीन शर्ट्स हमने ली हैं, और इनका स्टफ़ जो है ना अभी सर्दियों वाली शर्ट्स आ रही हैं वो है, एक हमने ये हाफ़ बाजू वाला लिया है, और तीनों शर्ट्स जो हैं वो ये वाली मेरी पसंद की है शर्ट, ये वाली, ये अभी शहजाद ना नहाने गए हूँ मैं नहा के, अब ये पहनेंगे, एक ये शर्ट है और ये आधे बाजुओं वाली है, और इसके अलावा दो शर्ट्स जो हैं ये थोड़े से मोटे स्टफ़ में है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, और ये हमने फुल बाजुओं की शर्ट ली है, और ये भी काफ़ी अच्छी हैं शर्ट्स, और ये भी हम दोनों की पसंद की हैं, वर्क हार्ड ड्रीम बिग, तो ये काफ़ी अच्छी शर्ट है, और शहजाद ने इसमें लार्ज लिया है, लार्ज साइज़, और एक ये है ग्रे कलर में, ये मैं दिखाती हूँ, और कीजिया जो है ना ऊपर आने की कोशिश में है, कीजिए एक मिनट रुक जाए यार, रुक जाओ मेरे बेटे, एक ये शर्ट है ये भी लार्ज में है, ये देख लो तो शॉपिंग के ऊपर से गुजर गया यार पीछे हो, मामा को दिखाने दे ऑथेंटिक लिखा हुआ है ऊपर, और शर्ट के ऊपर नंबर है 25, और ये भी काफ़ी अच्छी है, डिसेंट में है, तो आपने बताना है, जो लड़के हैं ना स्पेशली वो बताएंगे आपको कौन सा इसमें से क्या अच्छा लगा, कि कुछ भी अच्छा नहीं लगा वैसे मुझे ये पसंद है, और मुझे ज़्यादा ये वाली पसंद है ब्लैक वाली शर्ट, ये वाली शर्ट, और अभी हम जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, अभी टाइम मेरा ख्याल क्या टाइम है, 8:45, अभी 8:45 हुए, और हम लोग आज तकरीबन 12:15 बजे जाने वाले हैं एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट पे, क्योंकि आज हमारा कनाडा से सामान आ रहा है और वो रिसीव करने के लिए जा रहे हैं, मेरी छोटी भाभी का भाई आ रहा है और उनको रिसीव करने के लिए आएंगे गुजरा से, उनके इन लॉज आएंगे, इसलिए उनसे हम सामान जो है वो रिसीव करके वापस आ जाएंगे, और हमें तकरीबन काफ़ी देर लग जाएगी,
क्योंकि एयरपोर्ट पे ना फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो 12 बजे वहाँ पे पहुँचेगा और तकरीबन 1 बज जाएगा उसको, फिर 1 बजे हम वहाँ से चीज़ें रिसीव करके 1:30 बजे और 2 बजे तक घर वापस आएंगे। तो गाइस अभी बजे हैं 12:15 और किजिया और मामा जो है वो घर में ही है और मैं और शहजाद हम दोनों जा रहे हैं एयरपोर्ट और पहुँच जाएंगे बस 1/2 घंटे के अंदर अंदर ना, और तैयार श्यार कोई नहीं हुए क्योंकि मैंने गाड़ी में ही रहना और शहजाद ने चीज़ें पकड़ के वापस आ जाना, इसीलिए सोए सोए जा रहे हैं और बस चीज़ें लेके वापस आ जाएंगे। ये शहजाद रेडी होके आ गए तो अभी हम निकलने लगे हैं। एयरपोर्ट पे हम पहुंच गए, ये एयरपोर्ट है सामने। फाइनली हम एयरपोर्ट पे हैं, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और 1 बज चुका है। गाड़ी हम लगा रहे हैं पार्किंग में। जगह हुई तो नहीं, इधर कहीं देख ले। अभी हम नीचे उतरे हैं और वेट कर रहे हैं, अभी नुमान पहुंचा नहीं है, 1 से ऊपर टाइम हो गया हमें, और हाँ 1:15 हो गया। अब हम गाड़ी से थोड़ी देर बाहर निकले हैं, हमने कहा थोड़ा घूम फिर लेते हैं। और अभी फ्लाइट तो नहीं होगी, फ्लाइट हाँ लैंड हो चुकी है, वो तकरीबन 1:45 होनी थी और अब 1 से ऊपर टाइम हो गया, 1:15 हो गया तकरीबन, तो 1:30 बजे तक हो सकता है वो बाहर आ जाए, फिर हम सामान रिसीव करेंगे और वापस जाएंगे। तकरीबन 2:30 बज जाएंगे हमें वापस जाते हुए। तो हमने सामान अभी रिसीव किया है, तो अब 2 बज गए और अब हम घर जाने लगे। और एक बात तो रह गई, मैंने किजिया के नाम का मतलब नहीं सबको बताया, तो किजिया के नाम का मतलब है दारचीनी का खुशबूदार दरख्त। दारचीनी होती है ना उसके अंदर, मसाले के अंदर, तो उसका खुशबूदार दरख्त, तो दारचीनी का खुशबूदार दरख्त है किजिया का मतलब। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये वाली चीज़ें जो आई हैं ना मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।